हेलो एवरीवन, माइसेल्फ रमन शर्मा एज एन आईएल्स ट्रेनर आज आपके लिए लेके आया हूँ एक वैल्यूएबल वीडियो। बहुत ही शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट टाइम में एक ऐसी वैल्यूएबल चीज सिखा के जाऊंगा कि आज के बाद आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई आईएल्स में होता क्या है। आईएल्स में एक एक चीज को क्लियर करूंगा, चार मॉड्यूल होते हैं और कंप्लीट आपको समझा दूंगा और इसके बाद आप फील करोगे कि यार आईएल्स बड़ा आसान है, ऐसे ही डराया जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर सिलेबस की बात करूं तो आईएल्स में सिलेबस तो नहीं होता है, ये बात क्लियर है। आप चाहे एमए पढ़ रहे हो, चाहे आप बीए पढ़ रहे हो, चाहे आप प्लस टू के हो, चाहे आप कॉमर्स है, चाहे आप नॉन मेडिकल, चाहे मेडिकल, फर्क ही नहीं पड़ता। आपको सिलेबस बिल्कुल एक ही तरीके का आएगा, चाहे आप एमए के बच्चे हो, एकेडमिक एग्जाम दे रहे हो, चाहे प्लस टू का बच्चा है, दोनों को सेम क्वेश्चन पेपर आएगा। तो बात ऐसी है कि अगर आप चाहते हो कि आपका आईएल्स टेस्ट है वो क्लियर हो जाए तो उसके लिए छोटी छोटी बातें हैं और मैं उनको आपको क्लियर करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, आईएल्स का टेस्ट है और फुल फॉर्म तो भाई पता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम और ये कंडक्ट करती है दो कंपनीज, ब्रिटिश और आईडीपी, और इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन देख सकते हो। अगर आपको चाहिए कि सर ब्रिटिश में एग्जाम दें या आईडीपी में दें तो कंप्लीट डिटेल्स मैंने एक वीडियो में 10 मिनट में कंप्लीट कर दिया है। तो बात करते हैं चार मॉड्यूल की, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, और चारों होते हैं 9999 बैंड के। अगर आपके तीन मॉड्यूल में आगे 7.5 और एक में आगे 5 तो भाई तीनों के 7.5 किसी काम के नहीं है। तो मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंट चारों हैं और चारों में ही हमें अपनी कमांड है जो वो बनानी पड़ेगी। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट मॉड्यूल, दैट इज कॉल्ड रीडिंग, और ये वीडियो एकेडमिक और जनरल दोनों के लिए है। आप इस वीडियो के बाद जरूर फील करोगे कि आईएल्स बड़ा आसान है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्राइटेरिया में बताया हुआ है कि आपके सामने 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम कितना मिलता है, दैट वुड बी 1 आवर, चाहे एकेडमिक हो चाहे जर्नल हो। देखो जो एकेडमिक का बच्चा है ना उसका स्कोर कार्ड ये है और जो जर्नल का है उसका स्कोर कार्ड ये है। मतलब जो एकेडमिक पढ़ रहा है वो जाएगा पढ़ने के लिए किसी भी, चाहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, कहीं पे भी जाए, और जो कर रहा है जर्नल वो करेगा अपनी परमानेंट रेजिडेंसी, वो लेगा पीआर। और इसके स्कोर कार्ड में थोड़ा सा फर्क है, देख लीजिए। अगर आपके करेक्ट आंसर 39 या 40 दोनों है एकेडमिक के तो आपके आएंगे 9 बैंड। उसके उल्ट अगर आपके जस्ट 40 है तो ही आप 9 लेंगे, अगर 39 है तो आपके 8.5 है। मतलब क्या है कि जर्नल के बच्चे को स्कोर को अप करने के लिए क्वेश्चंस को ज्यादा ठीक करना होता है रादर के एकेडमिक। अगर बात करते हैं 6 बैंड की, 6 की रेशियो की बात करते हैं तो 6 बैंड अगर एकेडमिक का बच्चा पेपर दे रहा है तो उसके चाहे 23 ठीक है, 24 ठीक है, 25 ठीक है, उसके 6 आ जाएंगे। और इसके उल्ट अगर जर्नल आपने 6 लेने हैं तो कम से कम भाई आपके 30 और 31 ठीक जाने चाहिए। हाँ, इसका एक फायदा होता है एकेडमिक की रीडिंग होती है बहुत लेंथी और जर्नल आपकी रीडिंग होती है बहुत शॉर्ट। तो एक और इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, शायद बहुत बार आप मार खा चुके हो उसके लिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब एंसर्स को उतारते हैं रीडिंग के अपनी एंसर शीट के ऊपर तो अपनी नीचे वाली लाइन को टच कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, फॉर एग्जाम्पल वहां पर हमें 2 लाइन ऐसे मिलती है बच्चे, कोई बच्चा सपोज नहीं करता, आप मान लीजिए ई लिखना है, अगर आपने ई को ऐसे लिखा ऊपरली लाइन को टच भी किया नीचे वाली को तो डेफिनेटली कंप्यूटर आपको रॉन्ग कर देगा। सो आपने आंसर्स को कैसे लिखना है, ना तो ऊपरली लाइन के साथ टच होना चाहिए ना नीचली, और इसको मिड में लिखना है, ये सबसे अच्छा और सेम रूल बता रहा हूं। और एक बात और होती है कि बहुत बार क्वेश्चन को ना रोमन में पूछा जाता है, जैसे रोमन में ना 4 ऐसे पढ़ता है, 5 ऐसे पढ़ता है, 6 ऐसे पढ़ता है, अगर आपने 4, 5, 6 ऐसे डाल दिया तो भी कंप्यूटर आपको गलत कर देगा, इसके लिए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत लाजमी है। तो रीडिंग की बहुत इंपॉर्टेंट बात करता हूं, तो सिलेबस तो कुछ भी नहीं है मगर क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया में आती है 5 चीजें। 5 क्या क्या है, लिस्ट ऑफ हेडिंग है, फिल इन द ब्लैंक है, मैचिंग नेम्स और स्टेटमेंट्स की होती है, एमसीक्यू होते हैं, ट्रू फॉल्स और यस नो होता है, नॉट गिवन। तो बात इतनी है, ये 5 और 6 जो भी चीजें आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो इनमें से थोड़ा थोड़ा करके आपको एग्जाम आएगा। जैसे लिस्ट ऑफ हेडिंग मान लो 7 आ गए, 12 आपको फिल इन द ब्लैंक आ गए, 12 मैचिंग आ गए, 8 ए आ गए, 4 मतलब टोटल 40 क्वेश्चंस बनेंगे। ये कभी नहीं होगा कि लिस्ट ऑफ हेडिंग आपको 40 के 40 लिस्ट ऑफ हेडिंग आ गए ना, फिल इन द ब्लैंक 40 के 40 आ गए ना,
मतलब क्या है कि थोड़ा थोड़ा सब में से लेंगे, और डेफिनेटली इनसे बाहर का भी एग्जाम आ गया तो मैं बैठा हूं। ये कंप्लीट सिलेबस है। क्या क्या है? लिस्ट ऑफ हेडिंग है, फिल इन द ब्लैंक है, मैचिंग है, एमसीक्यू है, ट्रू फॉल्स है, और इनकी शेप भी आपको दिखा देता हूं। अगर आपको टेंशन है कि सर होता क्या है, दिखता क्या है, तो मैंने फोल्डर्स बनाए हुए हैं। एग्जाम्पल, लिस्ट ऑफ हेडिंग क्या होता है? आपको इसके ऊपर दिया होता है ए बी सी डी ई, आपको ये ऑप्शन दिए होते हैं, और इसके साथ लिस्ट ऑफ हेडिंग ये दिए होते हैं ऐसे, और सेक्शन में दिए होता है ऐसे। मतलब क्या है कि आपने सेक्शन ए को रीड करना है, पूरे पैराग्राफ ए को अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है, इधर आना है, ये देखना है कि किसकी बात हुई है, तो डेफिनेटली जो नंबर की बात हुई है आपने उस नंबर को ए के आगे लगाना है। ऐसे बी, ऐसे सी, ये होती है लिस्ट ऑफ हेडिंग की टाइप। दूसरी टाइप होती है बच्चे, दैट इज कॉल्ड अ फिल इन द ब्लैंक। ये भी कुछ टाइप की फिल इन द ब्लैंक्स होती है, जैसे ये वाली, ये होती है फ्लो चार्ट फिल इन द ब्लैंक, जो ऊपर से नीचे नीचे ऊपर से नीचे नीचे आती है, एक टाइप ये होती है। और दूसरी टाइप सी होती है फिल इन द ब्लैंक्स की, लाइक अ टेबल, ऐसे टेबल्स की फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं। दो टाइप होगी, और थर्ड जो टाइप होती है फिल इन द ब्लैंक की, वो होती है समरी टाइप। मतलब आपको ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स को हिट करना पड़ेगा, और डेफिनेटली आपका स्कोर है वो अच्छा आएगा अगर आप इनको ट्रिक बेस सीखोगे। तो मैचिंग में जैसे ये ऊपर दिए हुए स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे राइटर नेम दिए हैं, बस बात ये कि कौन सी स्टेटमेंट किस राइटर ने की, ये भी होता है। और एमसीक्यू आपको पता है, ये छोटे हमने किए हुए हैं, छोटे होते हैं ना, ए बी सी डी में एक चूज करना है, और लास्ट पे जो टाइप है वो होती है जैसे येस नो और ट्रू फॉल्स, जैसे इनमें से येस है, नो है, स्टेटमेंट हाँ ना, जैसे कुछ भी है। सिलेबस इसके बाहर आ गया तो रमन बैठा है। 40 क्वेश्चन 1 आवर, ये टाइप्स हैं, इनको रट्टा मारोगे, क्रैम करोगे, कभी नहीं आएगी। सीखना क्या है? आपने सीखनी है ट्रिक। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, या मेरे साथ पढ़ रहे हो, मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो बात ये कि आप अपने ट्रेनर को ये बोलो कि ट्रेनर मेरे को एक चीज सिखा दे, क्या मेरे को ट्रिक्स सिखा दे कि कैसे लिस्ट ऑफ हेडिंग को करना है, कैसे फिल इन द ब्लैंक को करना है, कैसे मैचिंग, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू, बस 5 चीजें सिखा दे, रीडिंग इसके बाहर नहीं आएगी। और डेफिनेटली अगर आपको ट्रिक्स आ गई तो आप 40 में से 40 ले आओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और अगले मॉड्यूल की बात करूं अगर, दैट इज कॉल्ड अ लिसनिंग में भी सेम होता है क्वेश्चन, मैं क्राइटेरिया में क्वेश्चन जो आपको दिखाया था कितने ठीक होने पे क्या बैंड आते हैं, आप उसको बैक करके भी देख सकते हो। और इसमें भी 40 क्वेश्चंस होते हैं, और 30 to 40 मिनट की होती है, इसमें एक्स्ट्रा टाइम कुछ नहीं मिलता। सिलेबस में क्या चीजें, 4 चीजें आती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, मैचिंग होती है, एमसीक्यू होते हैं, और मैप। इन 4 चीजों के बाहर लिसनिंग का पेपर कभी आएगा ही नहीं। एग्जांपल दो तो फिल इन द ब्लैंक्स ऐसी होती हैं, और जो मैप होता है डायरेक्शंस को ऐसे सेट करता है, और जो एमसीक्यू होता है वो ऐसे होते हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप लिसनिंग की ट्रिक मांगते हो कि सर लिसनिंग में ऐसा क्या करें, तो डेफिनेटली आप छोटे छोटे इंग्लिश सॉन्ग्स को, कोई भी वेब सीरीज को सुनना शुरू कीजिए, इंटरेस्ट पैदा कीजिए, और डेफिनेटली आपका इंग्लिश में स्किल है वो अच्छा हो जाएगा। अगर आपकी लिसनिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली बिलीव ऑन माई वर्ड्स, आपकी स्पीकिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। लिसनिंग में कुछ नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये राइटिंग, बहुत कंफ्यूजन है, आओ क्लियर करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं इसके लिए। व्हाट इज राइटिंग? मैंने पूरा क्राइटेरिया आपके लिए तैयार किया है। राइटिंग में टास्क 1 है और टास्क 2 है। अगर आप एकेडमी को, अगर आप जर्नल हो, तो टास्क 2 आपके लिए सेम है, बात खत्म। और इसके आते हैं 6 बैंड, बात करते हैं। 40 मिनट्स इसको लिखने के होते हैं। नंबर 1, 250 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, ये नहीं गिने जाते। 8 टाइप्स होती हैं इनकी। अगर 8 टाइप्स हैं उनकी बात करते हैं, आइए देखते हैं कौन कौन सी टाइप्स हैं। एग्जांपल, डू यू अग्री और डिसअग्री, आप सहमत हो नहीं हो, टू व्हाट एक्सटेंट, आप किस हद तक सहमत हो, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, बोथ व्यू, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और एडवांटेज आउटवेट डिसएडवांटेज, पॉजिटिव नेगेटिव, और डायरेक्ट क्वेश्चन। आईएलटीएस के एग्जाम में इन 8 टाइप से अलावा अगर आपको कुछ आया तो रमन रिस्पॉन्सिबल है, पेपर इनमें से आएगा। और डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको लग रही है ना कि सर 8 टाइप्स है, कैसे करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल है। बच्चे बिलीव करो, कोई भी 2 टाइप्स अच्छे से सीख लो, बस बात खत्म। सारी की सारी सेम टाइप्स है, बस एक थीसिस लाइन चेंज होती है, बाकी कनेक्टर भी सेम लगते हैं, बीच का मटेरियल भी सेम होता है, कुछ भी नया नहीं है, बस आपको डराया जाता है।
बात खत्म। 8 टाइप्स को ध्यान में रखो और मैं इनमें से एक एक टाइप की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा और आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। हाँ, जर्नल और एकेडमिक आपके लिए टास्क वन है, जो वो डिफरेंट है। अगर बात करूंगा टास्क वन की, जर्नल की, तो आइए 20 मिनट आपको लिखने को मिलेंगे, इट्स ओके, 150 वर्ड्स आपके लिए। हाँ, आपके ये नहीं है गल के ऊपर आ रहा रखा हुआ है ना कि 250 वर्ड्स ही लिखने टास्क टू में, 150 लिखने टास्क वन में। अगर 250 से 260 भी हो गए, 265 भी हो गए चलेगा, मगर इससे ज्यादा चलेगा तो पेनल्टी चलेगी, ठीक है। तो टास्क वन में भी ऐसा होता है, 150 वर्ड्स की लिमिट है, आप 160 भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और 3 टाइप्स मिलेंगी जर्नल आपको, कौन कौन सी हैं? फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल। सबसे आसान है, 3 बैंड है, बात खत्म, कुछ भी नहीं है इसमें टफ। हाँ, 3 टाइप आपने फॉर्मल लेटर लिखना है किसी SSP को, किसी SHO को, किसी जज को। सेमी फॉर्मल क्या करता है, आप किसी कंपनी के मैनेजर को लिख रहे हो जिसको आप जानते हो, आप अपने ऑनर को लिख रहे हो जिसके आप रेंट पे रहते हो, छोटी छोटी बातें। और इनफॉर्मल तो आपके चाचा जी ने आपको घड़ी भेजी और उसका धन्यवाद करें, और शायद आपने छोटे होते ही एप्लीकेशन और लेटर लिखा भी होगा, तो कुछ भी नहीं है। एकेडमिक आपके लिए थोड़ा डिफरेंट है, 20 मिनट्स आपके लिए भी होंगे, 150 वर्ड्स आपके लिए भी होंगे, मगर टाइप्स 7 है। 7 में कौन कौन सी टाइप आती है इनको एक बार थोड़ा सा देख लें। तो 7 में आपके लिए टाइप्स आती हैं, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई, टेबल, प्रोसेस, फ्लो और मैप डायग्राम। यकीन कीजिए, एक टाइप को अच्छे तरीके से सीख लीजिए, सारी की सारी टाइप्स आपको सेम मिलेंगी। टास्क टू, और ये सिलेबस है, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा, और करंट टॉपिक्स होते हैं ना, उनमें से ही आपको जो टॉपिक आपको एग्जाम में मिलते हैं। मैं बेनती करता हूं कि कोई भी बच्चा क्रैमिंग करके एग्जाम में ना जाए कि मेरे 5 टॉपिक हो गए, 6 हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जस्ट क्राइटेरिया सीखो, और मैं आपको बता देता हूं, टास्क वन के आपको मिलते हैं 3 बैंड, टास्क टू के आपको मिलते हैं 6 बैंड, टोटल हो गया आपके 9 बैंड। और एक बात क्लियर कर दूं आप लोगों को कि 9 आते कैसे हैं, कैसे बैंड स्कोर देते हैं। ऐसे नहीं है कि एग्जामिनर का मूड हुआ, उसने सुबह उठा और सोचा कि चलो आज राइटिंग चेक करते हैं, और आपके उसका मूड अच्छा है तो 9 दे दिया, बुरा है तो 8 दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंड स्कोर कैसे आते हैं, 4 चीजें होती है जब बैंड स्कोर एग्जामिनर चेक करता है। एग्जाम्पल बताता हूं आपको, लाइक दिस। सबसे पहली चीज होती है टास्क रिस्पॉन्स। टास्क रिस्पॉन्स में से 9 में से आपको बैंड मिलते हैं। टास्क रिस्पॉन्स का मतलब है जो पूछा है, इसका मतलब ये है कि जो पूछा है क्या आप उसके आउट ऑफ टॉपिक तो नहीं गए, जो पूछा है उसके बारे में ही बात की है, तो अगर आपने सेम उसके रिलेटेड ही टॉक की है तो 9 में से आपको बैंड स्कोर मिलेंगे। दूसरी चीज आती है, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या आपने इंट्रोडक्शन में पहले लिखा है, फिर BP1 BP2 उनको क्या क्या आपने टास्क स्टेटमेंट बीच में दी है, आपने एक्सप्लेन किया है, एग्जाम्पल दिया है, रिजल्ट दिया है, सारी चीजें। और ये स्ट्रक्चर मैं बिल्कुल अपनी वीडियो में लेटेस्ट पढ़ाता हूं, और आप डेफिनेटली अच्छा बैंड स्कोर गेट करोगे, और 9 में से ऐसे इधर आते हैं। और थर्ड चीज होती है, दैट इज कॉल्ड LR होता है, लेक्सिकल रिसोर्सेज, आपकी आपकी वोकैबुलरी, सॉरी वोकैबुलरी। एक जगह क्या लिखा, गवर्नमेंट, दूसरी जगह गवर्नमेंट नहीं लिखना, रेजिम, ठीक है। तीसरी अथॉरिटी, लॉ मेकर, आप कितने बार वर्ड्स को चेंज करके लिखते हो, दैट डिपेंड्स ऑन LR। अगर आप सेम वर्ड्स को लिखते जाओगे तो आपका स्कोर नहीं आएगा, और इसका भी 9 होता है। और लास्ट होती है GRE, बोले तो ग्रामर, इसका भी 9 होता है, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे है कैसे नहीं है। एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, टास्क रिस्पॉन्स में आपको 7 मिले, स्ट्रक्चर आपका अच्छा था 8 मिले, लेक्सिकल रिसोर्सेज आपके बहुत अच्छे थे, आपने चेंज करके लिखा, ग्रामर में थोड़ी कमी थी। मान लीजिए एग्जामिनर को ये 4 चीजें आपकी इस तरीके से मिले, तो उसका टोटल होगा 7 + 8 + 8 + 7, टोटल हो गया 30/4, स्कोर आपका बन गया, दैट वुड बी 7.5। और दिस इज द बेस्ट वे, आपको राइटिंग में स्कोर पता चल गया होगा तो आपको किन किन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, और ये भी आप समझ चुके होंगे। तो बात करते हैं लास्ट मॉड्यूल, दैट इज कॉल्ड अ स्पीकिंग। 10 से लेके 14 मिनट तक होती है। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि सर मेरी स्पीकिंग में ना, मेरे को पहले भेज दिया, मेरे से एक्सेंट में ज्यादा बात की, मैं कंफर्टेबल नहीं था, मेरा 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो गया। अरे डरने की कोई बात नहीं है, एग्जामिनर बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, कुछ भी नहीं होता। 3 टास्क होते हैं, 10 से लेकर 14 मिनट की स्पीकिंग है। अगर आपको 7 और 8 मिनट
में भी बाहर भेज दिया तो डरना नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तीन पार्ट है, कौन कौन से है? टास्क वन है इंट्रोडक्टरी, टास्क टू है क्यू कार्ड और टास्क थ्री है फॉलो अप क्वेश्चन। टास्क वन क्या होता है, आपको इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक फेस्टिवल, आपकी मर्जी के, मतलब आपका नेम क्या है, कहां से आते हो, पासपोर्ट दिखाओ, एज क्या है, आजकल क्या करते हो, फेस्टिवल के बारे में कुछ भी बताओ, दैट इज कॉल्ड अ टास्क वन। और इसके मिलते हैं टू बैंड आपको। और टास्क टू होता है क्यू कार्ड, देखो क्यू कार्ड है, इसके मिलते हैं फोर बैंड। फोर बैंड का मतलब पता क्या होता है कि क्यू कार्ड आपने एक स्टोरी बनानी है, एग्जामिनर बस जस्ट आपको ये दे देगा एक स्लिप, डिस्क्राइब अ फिल्म और मूवी दैट यू मेड दैट मेड यू लाफ। चार बुलेट पॉइंट है, व्हाट इज द नेम ऑफ मूवी, व्हेन डिड यू वॉच इट, हु वॉच्ड इट विद, व्हाई यू मेड, आपको जो जो क्यू कार्ड को फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप एक कहानी बनानी है। इसके लिए वन मिनट आपको सोचने को मिलेगा और टू मिनट आपने कंप्लीट इसको बोलना है और एग्जामिनर आपको बीच में रोक सकता है। और लास्ट पे होते हैं फॉलो अप क्वेश्चन। फॉलो अप क्वेश्चन में क्या होता है, जो टास्क टू में पूछा है आपकी नॉलेज को चेक किया जाता है, तो एग्जामिनर डेफिनेटली टास्क थ्री में उसी के रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको पूछता है। ये कंप्लीट आईएलटीएस है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, आपको जितना मर्जी डराया जाए, आप जो मर्जी समझो ना समझो, बट बिलीव ऑन माय वर्ड्स, आईएलटीएस इसके बाहर नहीं है। मैं ट्राई करूंगा कि इससे भी बेटर वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूं। अगर पता क्या, किसी एक्सपर्ट की सलाह लो अच्छा है, आप कॉन्फिडेंस में रहो, ऐसे मतलब कोई आपको ड्रॉ दे के आईएलटीएस बहुत टफ है। एक बहुत लोगों के ना मैसेजेस आते हैं कि सर इतनी डेट वाला एग्जाम टफ आ रहा है या इजी आ रहा है, आप प्रेडिक्शन में बताओ। अरे प्रेडिक्शन में क्या होता है, किसी को बेवकूफ ना बनाओ, हाथ जोड़ के बोलता हूं, क्योंकि बच्चे पहले ही डरे हुए हैं, हमें उनको कॉन्फिडेंस देना है और उनका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करवाना है। प्लीज आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, अगर आपको कोई भी सलाह लेनी है तो मेरे चैनल में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच, मैंने अपनी कोशिश की कि आपको कंप्लीट राइटिंग के बारे में सब कुछ बता दूं, और इसके बाहर आपको राइटिंग में कुछ भी नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली वीडियो में हिट लाइक बटन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच, बहुत प्यार, बड़ी रिस्पेक्ट, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, गुड बाय, रमन शर्मा।